Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. हाय नैना, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? क्योंकि तुम इतनी पंचुअल जो हो. 3 बजे का टाइम दिया था और ठीक 3 बजे फोन किया. और एक हम दिल्ली वाले हर काम आराम से करते हैं. अब अमृता समीर से बात हो सकती है? ओहो, कभी मेरे से भी तो बात कर लिया कर. बाय गॉड, तुम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो. उससे बात करो तो वो नैना नैना की रेट लगा रखता है, और तुझसे बात करो तो तू समीर समीर करती रहती है. प्लीज प्लीज समीर को फोन दो ना. एक मिनट होल्ड करना. समीर लगता है अब तक आया ही नहीं है स्कूल से. ओहो, आ जाएगा. तब तक मैं हूँ ना तुम्हारा टाइम पास करने के लिए. वो एसटीडी कॉल है ना, तो मैं बाद में करूंगी. ठीक है, बाय. अच्छा ठीक है, बाय. हाँ, कट गया. भगवान जी, कोई ऐसा फोन बना दो ना जिसमें एसटीडी का झंझट ही ना हो, और कम खर्चे में जितनी चाहे उतनी बात कर लो. बताइए, दुआ मांगी थी 20th सेंचुरी में और कबूल हुई 21st सेंचुरी में. उन दिनों एसटीडी कॉल करते हुए नजर घड़ी पे रहती थी कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, और आज एसटीडी तो क्या, आईएसडी करते हुए भी कोई नहीं सोचता. लेकिन एक फर्क जरूर है, उन दिनों भले ही कॉल महंगी थी लेकिन बात करने का टाइम बहुत होता था. और आज कॉल सस्ती हैं, लेकिन लोगों के पास बात करने का टाइम ही नहीं है. ताई जी पूछेंगी कि इतना देर से क्यों आई स्कूल से, तो क्या कहूंगी. एक और बार कोशिश कर लेती हूँ. अब तक स्कूल से आ गया होगा समीर. हेलो. हेलो समीर, आ गया. एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ. समीर ये ले तेरी हीरोइन का फोन, जल्दी से बात कर लेना. हेलो. इतनी देर क्यों हुई तुम्हें स्कूल से आने में? पता है कब से पीसीओ के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. एक्स्ट्रा क्लास थी. हेलो. हाँ सुन रहा हूँ. सॉरी यार, तुम गुस्सा थी पर तुम्हारी आवाज सुनकर गुस्सा उतर गया. मेरा भी बहुत दिल कर रहा था तुम्हारी आवाज सुनने का. झूठ, ऐसा होता तो इतनी देर इंतजार नहीं करवाते तुम मुझे. अरे तुमने अभी तो कहा कि तुम गुस्सा नहीं हो. हाँ तो फिर से आ गया. अच्छा तुम पहले कहो. नहीं पहले तुम. समीर तुम कहो. अच्छा बोलता हूँ. नैना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया. अब किसी से वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा. अच्छा तुम अपना वादा निभा रहे हो ना? अपने घर वालों के साथ प्यार से रह रहे हो ना? हाँ हाँ सब बिल्कुल ठीक है. तुम्हें पता है समीर, आज ना शाम को चाची वीसीआर किराए पर मंगवा रही है. मैंने तो चाची जी से बोल दिया. मुझे ना दिल है कि मानता है नहीं तो देखनी ही है. वैसे समीर तुम्हारे घर पे वीसीआर होगा ना, तो तुम भी शाम को दिल है कि मानता नहीं देखना. नैना अरे कैसेट ले लेना ना किराए पर.
चलो बोलो कुछ। नहीं देख पाऊंगा, वो क्या है ना कि दादी को किसी का भी वीडियो देखना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिल्म देखूंगी और फिर मैं तुम्हें ना पूरी पिक्चर की स्टोरी फोन पर सुनाऊंगी एक एक डायलॉग के साथ। शुक्र है तुम्हारी हंसी तो सुनने मिली। तुम्हारी भी। समीर ना बहुत खुश हो जाएगा मुन्ना पंडित को वहाँ देखकर। एक मिनट, तूने कहीं समीर को बताया तो नहीं कि मुन्ना और पंडित दिल्ली? हाँ मैं तो पागल हूँ ना। वो तो तू है समीर के लिए। वैसे एक बात बताऊँ, तू भी चली जा दिल्ली। काश 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 ऐसा हो पाता। और अगर ऐसा सच में हो गया तो? तो 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 हाँ, तो मैं बन जाऊंगी चांदनी पिक्चर की श्रीदेवी और समीर बन जाएगा ऋषि कपूर और फिर वो मुझे बाइक पर बिठाकर गाना गाएगा। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ेगी? क्लास में चल, लेट हो रहा है। स्वाति, मुन्ना पंडित पहली बार इतना दूर गए हैं, वो भी अकेले। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नैना, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। दोनों ने घर पे ये बोला है कि दोनों साथ में गए, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों अलग अलग गए। आजकल तो 12-13 साल के बच्चे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, इंडिया तो क्या वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने ट्रैवल करना इतना आसान जो बना दिया है। लेकिन उन दिनों 17-18 साल के टीनेजर्स के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना ऐसा होता था जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में जा रहा हो। भगवान ने ना और एक लेटर। तू नहीं समझेगी स्वाति, मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे समीर को चिट्ठी लिखती रहूं। मैं ना समीर को एक एक पल के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे जब वो वापस आए तो उसे लगे ही नहीं कि हम कभी दूर हुए। तुझे क्या लगता है समीर वापस अहमदाबाद आने वाला है? जरूर आएगा, और जब तक वो नहीं आता तब तक ऐसे ही मैं उसका इंतजार करती रहूंगी, चिट्ठियां लिख लिख के। नैना बेटा, टीवी की आवाज कम कर ले, नहीं तो तेरी ताई जी सुन लेंगी। मम्मी, अब उसे कुछ सुनाई नहीं देने वाला, वो अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी है। महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब। सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब।
चांद को रोक लूं मैं, चांद गुस्ताख या जो करे, वक्त को थाम लूं मैं, रात का ये समा अब्र का कारवा, संग इनके बने अपने दास्तां, बदमाशियां हल्के करे परछाइयों से मेरे मेरा महबूब, मेरे होठों की लर्जिश है मेरा महबूब, और मीठी सी खलिश है मेरा महबूब, सरगोशियां चुपके करे दस्तक सी दे दिल पे मेरा महबूब। तू आमिर खान में अपने सलमान महेश्वरी को ढूंढ रही है ना? यहाँ एक तरफ एक हिंदी फिल्म का चैप्टर खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ समीर की जिंदगी में इंग्लिश फिल्म का चैप्टर शुरू होने वाला था, और हम दोनों इस बात से अनजान थे कि हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह रोमांचक होने वाली थी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।